भारतीय T20 स्क्वाड की इन तीन बड़ी बातों ने सबको किया हैरान। आखिरकार भारतीय चयनकर्ताओं ने क्यों सुनाए तीन बेतुके फरमान। हाँ, भारतीय टीम की T20 स्क्वाड घोषित हो चुकी है। बांग्लादेश के खिलाफ 6 अक्टूबर से 3 मैचों की T20 श्रृंखला है। उसके लिए जब स्क्वाड की घोषणा की गई तो उसने सबको हैरान किया, सबको परेशान कर दिया, क्योंकि इसमें उन खिलाड़ियों को मौका मिला है जो लगभग भारतीय T20 टीम के हिस्से हैं। कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया गया है वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको दरकिनार किया गया है, कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको एडवांटेज के तौर पे लगातार मौके दिए जा रहे हैं। तीन ऐसे बेतुके फरमान भारतीय चयनकर्ताओं ने सुनाए हैं, जिसको देखकर यही कहा जा सकता है कि आखिरकार ज्यादती कब तक। अपने इस रिपोर्ट में हम आपको उन तीन बेतुके फरमानों के ऊपर बताएंगे कि आखिरकार BCCI ने क्या क्या फैसला लिया है, किसके साथ ज्यादती की है, तो किसको एडवांटेज देते हुए वो दिखे। बात करें सबसे पहले भारतीय टीम की स्क्वाड की, तो वो आपके स्क्रीन पर है। स्क्वाड ब्रेकअप है, आप देख सकते हैं ये स्क्वाड। इस स्क्वाड पर अगर आप नजर उठाकर देखेंगे, गौर फरमाएंगे, तो आपको सबसे पहले विकेट कीपर बल्लेबाज की सूची में नजर आएगा कि ईशान किशन का नाम गायब है। एक ऐसा विकेट कीपर बल्लेबाज जो लगातार इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट में शतक पे शतक ठोक रहा है। अगर आप उसको ईरानी ट्रॉफी में खिला रहे हैं, अगर आप उसको मौका दे रहे हैं दलीप ट्रॉफी में, मतलब आपने सब कुछ पुराने गीले सिकवे भुला दिए हैं। अब ईशान किशन को नए सिरे से स्टार्ट करते हुए देखना चाहते हैं और भारतीय टीम में लाना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब बांग्लादेश के खिलाफ T20 श्रृंखला में ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि ईशान किशन की वापसी होगी, ईशान किशन लय में दिख रहे हैं, जबरदस्त विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं, और आउट ऑफ फॉर्म जो हमारे खिलाड़ी हैं, चाहे हम विकेट कीपर बल्लेबाज की बात करें संजू सैमसन या फिर जितेश शर्मा, इनके जगह तो ईशान किशन आसानी से जगह बनाते हुए दिखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। संजू सैमसन और जितेश शर्मा को एक बार फिर मौका मिला। संजू सैमसन को हाल फिलहाल श्रीलंका के खिलाफ मौका मिला था, वहां वो खाता भी नहीं खोल पाए थे। जितेश शर्मा का तो हाल बुरा चल रहा है, बल्ले से रन उनके नहीं आ रहे हैं, चाहे IPL की बात करें, चाहे हम अंतरराष्ट्रीय सर्किट की बात करें। तो ऋषभ पंत को अगर आपने आराम दिया है तो ईशान किशन को मौका मिलना चाहिए था। ईशान किशन डिजर्विंग कैंडिडेट थे, लेकिन आपने दो आउट ऑफ फॉर्म विकेट कीपर बल्लेबाजों को मौका दिया है, एडवांटेज दिया है। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार ये फैसला कितना लाभदायक भारतीय टीम के लिए साबित होता है। जो दूसरा बड़ा फैसला है वो मयंक यादव का चयन। आप कहोगे यार बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी है, चयन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, लेकिन अगर एक पैरामीटर आप किसी खिलाड़ी के लिए रखते हैं तो दूसरा पैरामीटर अलग नहीं हो सकता दूसरे खिलाड़ी के लिए। दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए देख रहे हैं कि पदार्पण करना है, भारतीय टीम के लिए खेलना है, नीली जर्सी पहननी है, तो सबके लिए बराबर पैमाना होना चाहिए। मयंक यादव सिर्फ IPL में 4 मुकाबले खेले, 2 मुकाबलों में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन था, सिर्फ 2 मुकाबलों के दम पे आप उनको भारतीय टीम में चुन ले रहे हो, ये सोच से परे, ये समझ से परे है। आखिरकार भारतीय चयनकर्ताओं का मापदंड क्या है, किस खिलाड़ी को कब वो चुनेंगे कभी पता नहीं चल पाता है। कभी सरफराज खान जैसा खिलाड़ी 3-3 डोमेस्टिक सीजन प्रदर्शन करके नहीं चुना जाता है, उसके हाथों निराशा लगती जाती है। कभी कभी मयंक यादव जैसा खिलाड़ी मात्र 4 मुकाबले, जिसमें से मात्र 2 मुकाबले में प्रदर्शन करके भारतीय टीम में जगह बना लेता है। ये कब तक नाइंसाफी, ये कब तक दोहरे मापदंड BCCI चयनकर्ता अपनाते रहेंगे, ऐसा क्यों, ये सवाल उठता रहेगा। मयंक यादव का जरूर चयन उनके तेज गेंदबाजी के कारण हुआ है, मयंक यादव का जरूर चयन उनके लाइन लेंथ के कारण हुआ है, लेकिन अगर मयंक यादव 4 मुकाबले में जगह बना सकते हैं तो हर एक भारतीय तेज गेंदबाज जो IPL में 2 मुकाबले में प्रदर्शन करे वो भारतीय टीम में जगह बनाना चाहिए। तीसरी बड़ी बात अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि वरुण चक्रवर्ती का नाम शामिल है। वरुण चक्रवर्ती को यहां पर जगह मिली है किसके कारण, गंभीर के कारण। अगर गंभीर ना होते भारतीय टीम के कोच तो वरुण चक्रवर्ती की जगह ना बनती। ऐसा नहीं है कि वरुण चक्रवर्ती ये पिछले IPL में ही प्रदर्शन किए हों, पिछले IPL में भी प्रदर्शन किए थे, और जब उनको चुना गया था फिर टीम से हटाया भी गया था तो कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, सिर्फ उनको वर्ल्ड कप जीतने के लिए लाया गया था, अगर आप नहीं जीते तो स्केप गोट बलि का बकरा उनको बना दिया गया कि नहीं आपके कारण हारे, जबकि उनका प्रदर्शन वहां पे भी बुरा नहीं था। ये चयन अपने आप में आश्चर्य पैदा करता है कि आखिरकार एकाएक वरुण चक्रवर्ती से इतना प्यार, इतना जहन में दिल में कहां से उफान आने लगा कि नहीं चक्रवर्ती चाहिए भारतीय टीम में। ये सिर्फ और सिर्फ गंभीर की बदौलत है कि वरुण चक्रवर्ती हैं, अन्य खिलाड़ी इनसे बेहतर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे थे। साई किशोर की बात करें जो इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट में तो तहलका मचाता हुआ दिख रहा है, उससे बेहतरीन भारतीय टीम में स्पिन गेंदबाज इस वक्त कोई नहीं दिख रहा है, चाहे अश्विन बात कर लो, चाहे जडेजा, चाहे सुंदर, चाहे अक्षर पटेल। तो वहां पर होना चाहिए था साई किशोर को, लेकिन वरुण चक्रवर्ती को जगह मिला है।
हालांकि इनको इनाम मिलना चाहिए, लेकिन जब आपने एकदम दरकिनार कर दिया था, जब आपने बिल्कुल इनको चुनने का सोच भी नहीं रखा था, आखिरकार क्यों चुना है, सवाल उठता है। आर साई किशोर इनसे बेहतर प्रदर्शन इस वक्त डोमेस्टिक सर्किट में करते हुए नजर आ रहा है, तो डोमेस्टिक सर्किट में प्रदर्शन करने का इनाम क्यों नहीं दिया जा रहा है, यह भी सवाल उठते। तो इन तीन बेतुके फैसलों ने भारतीय चयनकर्ताओं के ऊपर सवाल उठाए हैं, यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार क्यों और कब तक। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।